आप मजाक तो नहीं कर रहे? ये मजाक की बात नहीं है मिश्रा जी, आई एम सीरियस। पर इतनी इंपॉर्टेंट चीज किसी के हाथ में इतनी आसानी से कैसे ले सकती है? इसी बात का तो मुझे भी ताज्जुब है सर। आर यू श्योर अबाउट इट? ऑफ कोर्स सर, 100% श्योर। मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। हेलो, मेरी प्रधानमंत्री जी से बात करवाइए इमीडिएटली। थू थू है हम सब पर।
यहां सब बैठे हैं आराम से, तो सब खलास हो गया। वो बोट, वो बॉक्स सब गया हाथ से। कितनी बार कहा कितना बड़ा ऑपरेशन उन हिजड़ों के हाथ में मत दो। 3 साल की प्लानिंग गई पानी में। ए, बंद कर। क्या हुआ? मैंने कहा बंद कर इसे जोसेफ। जानते हो, अगर सरकार को पता चल गया कि उस बॉक्स में क्या है, तो इस देश की पुलिस ही नहीं, पूरी की पूरी आर्मी बिठा देगी उसकी हिफाजत के लिए। फिर बैठे रहना यहाँ आराम से वीडियो गेम खेलते हुए। मैं तो कहती हूँ किसी और पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं। हम ही वो कंटेनर वापस हासिल करेंगे। इस बार जो होना है हो जाए। अब पता चला खूबसूरत चेहरों को मैं अपनी गैंग में भर्ती करने से क्यों डरता हूँ? क्योंकि वो सिर्फ नाज और अदाएं ही दिखाते हैं, दिमाग चलाना तो उन्हें आता ही नहीं है। सुवर्णा, छोड़े से सुना नहीं? पुष्कर, इसको जरा समझाओ कि पुलिस के लिए हम खतरनाक आतंकवादी हैं, और हमारी फोटो हाथ में लिए पुलिस वाले हर चेक नाके पर हमारी आरती उतारने के लिए तैयारी खड़े हैं। और ये मत समझना कि मुझे मौत का डर है। हमारा मिशन जिंदा रहना चाहिए बस, और ये काम अपने आदमियों से नहीं, बाहर के आदमी से कराना होगा। बाहर वाले को कहां से ढूंढेंगे? हमारे अंडरवर्ल्ड के रिश्ते कब काम आएंगे? एक आदमी खुराना नाम का, वो करेगा ये काम। कौन है वो? है खुराना, वो करेगा ये काम। कितनी बार कहा तुझे हमारे एरिया में नहीं आने का? तुम्हारा एरिया? क्या तुम्हारे दादा ने मरते वक्त तुम लोगों के नाम लिखी थी ये जमीन? हाँ, हॉकी मैच है क्या? ए, हाथ नहीं लगाने का। क्यों, क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? हाथ नहीं लगाने का बोला ना। क्या करेगा? मैंने पहले ही बोला था मुझे हाथ नहीं लगाने का। समझते नहीं साले? पहले चश्मा उतार के रखने दे। मैंने कहा ना मैं चश्मा रख रहा हूँ। और मार साले को। अरे कब से बोल रहा हूँ कि मुझे चश्मा रखने दे, फिर भी आंख पे आता है साला। अरे मारना। बोला ना चश्मा जेब में रखने दे। हेलो, हाँ,
एक मिनट मेरा नाम खुराना है। देखो, मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत बड़े राज की बात है, टॉप सीक्रेट। मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी के कानों तक पहुंचे। तो मैं बाहर जाऊं? मजाक छोड़ो, इंदिरा डॉक्स के कस्टम्स के गोडाउन में मेरा माल पड़ा है, एक बॉक्स, उसे निकालना है। करोगे? 1,00,000 दूंगा। माल क्या है? बिस्किट, सोने के, और वो भी 1,00,000 के। भिखारी समझाए क्या? 1,00,000 गोल्ड बिस्किट का 1,00,000? अरे इतने में तो अपन ग्लूकोज बिस्किट भी नहीं लाएगा। इतने सोने का 1,00,000 बोलता है साला। ठीक है, 2,00,000 ले लो। 3, 4, 5,00,000। आखिर कितने चाहिए तुम्हें? 10,00,000। What? 10,00,000? अबे चिल्लाता क्यों है? अभी अभी तो खुद बोल रहा था किसी को सुनाई ना दे। लेकिन 10,00,000 बहुत ज्यादा है। देखो भाई, अगर बेस्ट आदमी चाहिए तो उसकी बेस्ट कीमत देनी ही पड़ेगी ना। ठीक है, लेकिन ये काम कल ही हो जाना चाहिए। कल नहीं, परसों। क्यों, कल क्या है? कल मुझे बाल कटाने। मैंने पहले ही कहा मजाक नहीं, ये काम कल ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके लिए 2,00,000 और। What? अब तुम ठीक है यार, तेरा काम कल हो जाएगा। पहले मुझे बॉक्स की डिटेल तो बता। हेलो, क्या बात है मिश्रा जी, इतनी रात गए आपने मुझे बुलाया? डॉक्टर राय, बहुत बुरी खबर है। क्या? अभी अभी खबर मिली है कि वो बॉक्स गोडाउन से चोरी हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर राय, दरअसल बात यह है, मैंने वहां पर सिक्योरिटी नहीं लगाई थी। क्या, आपने वहां सिक्योरिटी नहीं लगाई थी? पर क्यों? अरे भाई, मैंने सोचा था सिक्योरिटी लगाने से वहां पर किसी का भी ध्यान जा सकता है, और मैं इस मामले को बहुत नॉर्मल वे में हैंडल करना चाहता था, और सुबह होते ही उसे आर्मी हाईकमान के हवाले कर देता, लेकिन ये हो गया। लेकिन अब क्या होगा मिश्रा जी? मैंने कमिश्नर साहब को बुलाया है, वो आते ही होंगे। मतलब आप कमिश्नर साहब को सब कुछ बता देंगे? ओ, नो डॉक्टर राय, मैं उन्हें सब कुछ नहीं बताऊंगा। वहां से बात लीक हो सकती है, पब्लिक तक पहुंच सकती है, एक हंगामा हो सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं, जिन पे बाद में काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पुलिस को कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा मिश्रा जी। हम उनसे कहेंगे कि उसमें सोना था। नमस्ते मिश्रा जी, इतनी रात गए आपने मुझे याद किया, एनी प्रॉब्लम? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है।
biggest, latest Bollywood blockbuster, only on Eros Now.